दरमियान मैं इंडियन आर्मी फिटनेस टेस्ट ट्राई करने वाला हूँ, ताकि मुझे पता चले एम आई फिट इनफ टू बी इन इंडियन आर्मी और नॉट। सो एक दिन मैं सोच रहा था मैं ऐसी कौन सी चीज करूँ या फिर ऐसा क्या ट्राई करूँ जिससे मुझे मेरी फिटनेस लेवल एंड मेरी फिटनेस लिमिट का पता चले एंड जिससे मैं एक सच्चा फिटनेस यूट्यूबर कहलाया जाऊँ। तो थोड़ी देर यूट्यूब पे एंड गूगल पे रिसर्च करने के बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की आर्मी टेस्ट ड्राइव कर रहे थे एंड अपना फिटनेस लेवल एंड फिजिकल लेवल टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज ट्राई की जाए एंड अपना भी फिटनेस लेवल चेक किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इंडियन आर्मी की फिटनेस एंड फिजिकल टेस्ट ट्राई करूं जिससे मुझे पता चले क्या मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए फिट हूं या नहीं। तो फिर मैंने गूगल पे थोड़ी देर रिसर्च किया कि व्हाट इज फिजिकल रिक्वायरमेंट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एंड आई फाउंड आउट दैट कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको 4 फिजिकल टेस्ट या फिर फिटनेस टेस्ट देनी पड़ती है और इन चारों में आपको पास एंड क्वालिफाई होना पड़ता है। और ये फिटनेस टेस्ट इंक्लूड करती है 1600 मीटर रन, पुलअप्स, 9 फीट डीप जंप या फिर 9 फीट ब्रॉड जंप एंड 4th बैलेंस टेस्ट। सो गाइस बहुत हो गई बातें, आइए ये टेस्ट शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैं मेरी फर्स्ट टेस्ट ट्राई करने आ गया हूँ और वो है 1600 मीटर रन। तो गाइस ये कोई मामूली रन नहीं या फिर सिंपल रन नहीं है, आपको इसमें एक टाइम गैप दिया गया है या फिर टाइम लिमिट दी गई है, आपको उस टाइम के अंदर ही आपको 1600 मीटर रन कंप्लीट करना है। अगर आप उस टाइम से ज़्यादा टाइम लोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 कैटेगरी दी गई है। अगर आप अपना रन 5:30 से कम टाइम में कंप्लीट करते हो देन आपको फुल पॉइंट्स मिलते हैं या फिर फुल मार्क्स मिलते हैं, वो है 60 मार्क्स या फिर 60 पॉइंट्स। एंड दूसरी कैटेगरी, अगर आप अपना रन 5:30 या फिर 5:45 के बीच में कंप्लीट करते हो देन आपको मिलते हैं 48 मार्क्स या फिर 48 पॉइंट्स। और अगर आप 5:45 से ज़्यादा टाइम लेते हो देन आप अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाओगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फर्स्ट टेस्ट के लिए। तो मेरा गोल यहाँ पे 5:45 से कम टाइम में ये रन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 5:30 तो बहुत ही कम टाइम हो जाएगा, इसलिए मेरा गोल मैंने रखा है 5:45 के बीच में मैं अपना रन कंप्लीट कर लूंगा। तो गाइस आइए देखते हैं कि मैं रन कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। 3, 2, 1 I'm dead, guys. तो दोस्तों मैंने मेरी जो फर्स्ट टेस्ट थी यानी कि 1600 मीटर रन कंप्लीट कर ली है और गाइस इसमें मेरा टाइम अराउंड कुछ 5:43 जितना आया, यानी कि दोस्तों जो क्वालिफाई टाइम था उससे 1 या 2 सेकंड कम में मैंने ये चैलेंज पूरी की। पर फिर भी गाइस ये उतना बुरा स्कोर नहीं है क्योंकि मैंने ये ट्राई विदाउट प्रैक्टिस की थी, इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी। पर गाइस फिर भी मैं इस फर्स्ट टेस्ट में क्वालिफाई हो गया हूँ और मेरे को मिले आउट ऑफ 60 मुझे 48 मिले। और गाइस अगर मैं ये चैलेंज 5:30 से या फिर 5:30 में कंप्लीट कर लेता तो मुझे इस टेस्ट में फुल स्कोर मिलता, यानी कि 60 मार्क्स या फिर 60 पॉइंट्स मिल जाते। पर फिर भी ये स्कोर अच्छा है। और अब बारी हमारे टेस्ट नंबर 2 यानी कि पुलअप टेस्ट की। तो गाइस ये एकदम सिंपल टेस्ट है, इसमें आपको मिनिमम 6 पुलअप्स करने और मैक्सिमम अगर आप 10 या फिर 10 से ज्यादा पुलअप्स कर लेते हो देन आपको इस टेस्ट में फुल स्कोर मिल जाता है या फिर फुल पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी कि 40 पॉइंट्स मिलते हैं। और गाइस अगर आप 6 से 10 के बीच में पुलअप्स करते हो देन आपको 18-20 इस तरह से कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो गाइस ये चैलेंज में मेरा एम रहेगा कि मैं 10 से ज्यादा और जितना हो सके उससे मैक्सिमम पुलअप्स करूंगा, क्योंकि ये उतनी हार्ड चैलेंज नहीं है, मैं 10 पुलअप तो शायद कर ही लूंगा आराम से। तो आइए देखते हैं इस पुलअप टेस्ट में क्या होता है।
गाइस मैंने मेरी सेकंड टेस्ट यानी कि पुलअप्स कंप्लीट कर लिया और इसमें मैंने रन कुछ 12 टू 13 जितने पुलअप्स किए। तो गाइस इस टेस्ट में मेरे को फुल मार्क्स मिले जो कि है 40 या फिर 40 पॉइंट्स मिले। तो गाइस मेरी फर्स्ट दो टेस्ट मिला के जो मार्क्स की थी यानी कि 1600 मीटर एंड पुलअप्स में से मेरे को टोटल 88 पॉइंट्स मिले आउट ऑफ 100। तो इसके बाद अभी जो दो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें कोई मार्क्स या फिर कोई पॉइंट्स नहीं है। अगर आप उसमें क्वालिफाई करोगे तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें से फर्स्ट टेस्ट है 9 फीट डीप जंप या फिर 9 फीट ब्रॉड जंप। तो इसमें आपको स्टैंडिंग पोजीशन में से 9 फीट का जंप लगाना है और गाइस अगर आप 9 फीट का जंप लगा सकते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे और अगर आप नहीं लगा सकते तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है इस टेस्ट में। तो दोस्तों मैंने ये जो 1-2 फीट के बीच में 9 फीट का गैप रखा है और गाइस इसमें मेरे को स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करना है यानी कि मेरे को खड़े खड़े 9 फीट का जंप लगाना है। तो गाइस अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये टेस्ट में भी क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने मेरी थर्ड टेस्ट यानी कि 9 फीट डीप जंप या फिर 9 फीट ब्रॉड जंप मैंने कंप्लीट कर लिए और गाइस उसमें मैंने 2 बार 9 फीट से ज्यादा जंप लगा लिया यानी कि मैं उस चैलेंज में भी क्वालिफाई हो गया हूँ। और अब बारी हमारे टेस्ट नंबर 4 यानी कि बैलेंसिंग की टेस्ट की। तो गाइस अगर आपने मिलिट्री में या फिर कहीं भी मिलिट्री वीडियोस में देखा हो तो उसमें एक ज़िगज़ैग टाइप का स्टैंड होता है और आपको उस पर चलना होता है। तो गाइस उसको ही बोलते हैं हम बैलेंसिंग टेस्ट। तो गाइस मेरे पास ऐसा कुछ बैलेंस करने के लिए स्टैंड या फिर कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो गाइस मैंने यहाँ पे 4 हीट लाइन में लगा दी है और मैं उस हीट पे चलने वाला हूँ और मेरी बैलेंस टेस्ट करने वाला हूँ। तो आइए करते हैं टेस्ट नंबर 4। यही था मेरे बैलेंस टेस्ट के लिए। गाइस मेरे पास 4 हीट थी तो मैंने 4 हीट पे ही 2 बार चला। अगर मेरे पास ज्यादा होती तो मैं लंबा चल पाता। पर एनीवेज गाइस मैंने मेरी बैलेंस टेस्ट कर ली और मेरा अंदाजा ले लिया कि मैं उस अगर वो स्टैंड होता मेरे पास तो मैं उस पे भी चल पाता। ऑलराइट गाइस सो मैंने मेरी इंडियन आर्मी फिटनेस टेस्ट कंप्लीट कर ली है। मेरा स्कोर आया फर्स्ट टेस्ट में यानी कि 1600 मीटर रन में मेरे को मिले 48 पॉइंट्स या फिर 48 मार्क्स एंड सेकंड टेस्ट यानी कि पुल अप टेस्ट में मेरे को मिले 40 मार्क्स। सो ओवरऑल या फिर टोटल मार्क्स मेरे आए 88 मार्क्स या फिर 88 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। सो गाइस टेक्निकली मैं इनफ फिट हूँ या फिर मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ। पर गाइस फिटनेस टेस्ट के अलावा भी और भी रिटन एग्जाम होती है जो आपको देनी पड़ती है अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। पर गाइस यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ मेरे फिटनेस लेवल या फिर फिटनेस लिमिट चेक करनी थी इसलिए हम फिटनेस वाला ही पार्ट करेंगे, हम वो पढ़ाई वाला पार्ट वही दूर दूर छोड़ देंगे। और बस गाइस यही था आज के वीडियो के लिए। होप करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस नीचे जो आपको लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है मैं नहीं जानता आप क्या करो, आप वहां पे परेड करो या फिर एक दो करो, पर वो बटन दब जाना चाहिए। एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।